देश का जज्बा शहीद सैनिकों के प्रति कैसा होता है यह दिखाने के लिए इस वीडियो को सभी लोगों को देखना चाहिए। तमिलनाडु के संतोष बाबू गलवान में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच हुए संघर्ष में शहीद हो गए। यह समय किसी भी सैनिक परिवार के लिए गर्व का क्षण होता है। इस क्षण में जज्बातों का सैलाब भी उमड़ता है। शहीद संतोष बाबू के पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई देने के दौरान पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और सभी के हाथ शहीद संतोष बाबू को अंतिम सलामी दे रहे थे। लोगों की आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन गर्व का भाव भी साफ नजर आ रहा था। इसके बाद शहीद संतोष बाबू की अंतिम यात्रा निकली। तिरंगे से लिपटी सेना की गाड़ी और शहीद संतोष बाबू के पार्थिव शरीर के साथ सेना के जवान भी सवार थे। शहीद संतोष बाबू की अंतिम यात्रा के दौरान लोग अपने घरों की बालकनी में उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए निकल पड़े। घरों की बालकनी में खड़े लोगों में सभी उम्र के लोग मौजूद थे। महिलाएं हों या बच्चे, सभी सेना की गाड़ी में मौजूद शहीद संतोष के पार्थिव शरीर की ओर देखते हुए वहीं से सलामी दे रहे थे। यह बच्चा बालकनी में पहुँचते ही अपना हाथ उठाकर भारत के वीर सपूत को जय हिंद कह रहा है। ये है हमारे देश के नागरिकों का जज्बा, जो अपने देश के वीर सपूत के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DNX TV, रायपुर।